कल ही शादी कर लेंगे। मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा, तुम बस आ जाओ। फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कार्तिक को, इतनी देर से किससे इतनी लंबी बात कर रहा है? बिजी आ रहा फोन लगाता। कुछ जरूरी होगा भाई साहब। मैंने कब कहा कि जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा मिस कॉल तो देख रहा होगा ना, इतना तो कर सकता है कि होल्ड करा के पापा को बोल दे कि पापा बिजी हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ भाई साहब, वो फ्री होके कर लेगा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ माँ, तेरा तो ठीक है? नहीं अभी नहीं, वो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। नमस्ते पंडित जी। क्या अरे तुम यहां बैठ के, मैं वहां 12 बजे का डिसाइड किया था ना हमने, तुम नहीं आई, फोन भी नहीं किया। तुम तो कैसे कैसे ख्याल आए होंगे मेरे मन में, पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि कुछ हो गया, क्या हुआ। सांस अटकी हुई थी मेरी, हालत खराब हो गई थी मेरी। तुम क्यों नहीं आई नायरा, हुआ क्या है कुछ बताओगी? नायरा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओगी क्या हुआ है? नायरा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम बताओगी प्लीज क्या हुआ है? देखो मैं खुश हूं तुम ठीक हो, घर पर हो, लेकिन वहां क्यों नहीं हो जा तुम्हें होना चाहिए था। तुम समझ रही हो ना मैं क्या पूछ रहा हूं? प्लीज बताओ मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच के। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है नायरा, प्लीज बोलो। मंदिर में शादी करने का फैसला गलत था कार्तिक, गलत था। मैं आप सबको बताने वाली थी कि हमने ये सोचा था, पर मुझे लगा कि ये गलत होगा। कार्तिक आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, पर मुझे लगा तुम समझ जाओगे कि नायरा नहीं आई। मतलब क्या मतलब है इसका? क्या हो गया, क्या तुम्हें? मैं वेट कर रहा था नायरा, तुमने फोन भी नहीं किया, मैं फोन करता रहा और हाँ वो
वो सॉरी वो पता नहीं फोन को क्या हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था और मुझे भी अभी अभी रियलाइज हुआ। कार्तिक पर इन्हें वे अच्छा ही हुआ ना, तुम यहाँ आ गए सबके सामने। भाग की शादी नहीं करनी चाहिए थी हमें कार्तिक। आई नो वो फैसला मैं खुद मान गई थी उस पर नहीं कार्तिक, पर मुझे रियलाइज हो गया। और वैसे भी जो सब कह रहे थे हम वही तो प्रूफ करने जा रहे थे। सब कहते थे ना कि हम बहुत इमेच्योर है, बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजंस ले लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने रिश्ते को, चीज़ों को समझना चाहिए। मैंने सोचा, बहुत सोचा, अब तुम भी सोचो। अलग हुए हैं तो अलग रहना भी चाहिए ना। तुम कल US चले जाओगे और मैं कॉलेज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। आगे बढ़ते हैं ना कार्तिक, पर आगे क्या हो गया यार तुम्हें? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम श्योर थे ना अपने रिश्ते के बारे में, हम श्योर थे अपने फैसले के बारे में, इसलिए तो शादी करने जा रहे थे ना यार। क्या हो गया अचानक, क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसने भड़काया ना, किसने भड़काया तुम्हें बताओ नायरा, किसने भड़काया? कार्तिक नायरा ने कहा है ना कि झूठ कह रही है, वो प्यार करती है वो मुझसे, हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, इसे तो शादी करने जा रहे थे, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, हम साथ जीना चाहते हैं। फिर क्या हुआ अचानक नायरा, फिर क्यों मना कर रही हो, क्यों मना कर रही हो नायरा, बताओ ना मुझे, मुझे बात करनी है नायरा, बताओ बताओ क्यों मना कर रही हो मुझे। कार्तिक प्लीज शांत हो जाओ, आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत छोटी है कार्तिक, जिससे आज हम बच गए, हमारी फैमिली बच गई है, ये फैसला हमारे लिए बिल्कुल सही है। नहीं, 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 नहीं हो सकता ये फैसला सही, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुझे कोई गलती हुई? मैंने कुछ किया ना यार, जाने अनजाने मैंने कुछ कहा या कुछ किया जैसे तुम्हें हर्ट हुआ, तुम नाराज हो ना मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ। I'm really sorry नहर, मैंने जो कुछ भी किया I'm really sorry। तुम्हें चाहे जो सजा देनी तुम दे दो, मुझे सब सजा मंजूर है, पर ये शादी वाली नहीं, इसको छोड़ के जो सजा देनी है मैं नहर, प्लीज मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा नहर, ऐसे मत करो प्लीज, तुम्हें जो करना करो पर ये मत करो, मैं नहीं जी सकता नायरा, मैं मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा नायरा तुम्हारे बिना। नहीं कार्तिक प्लीज ऐसे मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए यही सही है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ कार्तिक। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, ना क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्यों कर रही हो बताओ मुझे, बताओ नायरा क्यों किया तुमने।
में शादी करने का फैसला गलत था का। अलग हुए हैं तो अलग रहना भी चाहिए ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।